टूडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं टाइगर्स रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों को 2006 से 2018 तक भारत में कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता देखा गया है ऑप्शंस थे 6 परसेंट सात परसेंट आठ परसेंट या फिर 9 परसेंट और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए छह परसेंट केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर्स रिपोर्ट 2018 की विस्तृत स्थिति जारी की है रिपोर्ट के मुताबिक बाघों को 2006 से 2018 तक भारत में 6 परसेंट प्रति वर्ष की दर से बढ़ते देखा गया है उन्नीस में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तब भारत में नौ टाइगर रिजर्व थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है दुनिया के लगभग 70 परसेंट बाघ भारत में मौजूद हैं, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि पहला सवाल लेते हैं आई ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से कोविड 19 के रोगियों के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है आई बेंगलुरु आई दिल्ली एम्स या फिर डी सही जवाब है इसका ऑप्शन सी एम्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आई ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के सहयोग से कोविड 19 के रोगियों के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है इसके तहत देश भर के अस्पतालों में भर्ती कोविड 19 के रोगियों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसके जरिए उनके उपचार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री नामक यह परियोजना इस बीमारी के उपचार के हिस्से के रूप में इस्तेमाल की जा रही नई चिकित्सा की प्रभावशीलता का अध्ययन करने और नैदानिक परीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करेगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला सवाल है किस देश ने हाल ही में गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट पारित किया है कैनेडा जापान ब्राजील या फिर अमेरिका और सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश मामलों की समिति ने एक कानून पारित किया इसे गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट कहा गया है इसके तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए भारतीय और अमेरिकी छात्रों के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा गौरतलब है कि गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट के लेखक जॉन लेविस थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अगला सवाल है भारत ने सागर विजन के अनुरूप हाल ही में किस देश में एक सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण कराया श्रीलंका मालदीव मॉरिशस या फिर इंडोनेशिया सही जवाब है इसका मॉरिशस यानी ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया इस भवन का निर्माण भारत सरकार द्वारा दी गई 28.12 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता राशि के साथ पूरा किया गया है यह इमारत मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के भीतर पहली भारत समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजना है यह नया सुप्रीम कोर्ट भवन भारत के सागर विजन के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरिशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला सवाल है अटल इनोवेशन मिशन ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम एम आईक्रेस्ट की शुरुआत की है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गूगल फेसबुक या फिर टाटा ग्रुप सही उत्तर है इसका ऑप्शन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी ए ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम ए आई आईक्रस्ट की शुरुआत की है यह कार्यक्रम देश भर के इनक्यूबेटर इकोसिस्टम में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है यह कार्यक्रम उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप्स बनाने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करेगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगला सवाल है किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में अरावली क्षेत्र के लिए एरियल सीडिंग की शुरुआत की है राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश या फिर गुजरात सही जवाब है इसका ऑप्शन बी हरियाणा हरियाणा वन विभाग ने अरावली क्षेत्र के साथ राज्य भर में एरियल सीडिंग की शुरुआत की है यह परियोजना पायलट आधार पर शुरू की गई है जिसके जरिए अरावली के उन हिस्सों में वृक्षारोपण किया जा सकेगा जो या तो पूरी तरह से पहुंच से बाहर है या दुर्गम इलाकों में है एरियल सीडिंग वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें सीड बॉल्स यानी मिट्टी खाद और अन्य घटकों के मिश्रण से ढके हुए बीजों का प्रयोग किया जाता है इन बीजों का हवाई जहाज हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित अन्य हवाई उपकरणों का प्रयोग करके जमीन पर छिड़काव किया जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा अगला सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई आर जी भंडारकर महादेव गोविंद राणाडे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग या फिर दयानंद सरस्वती सही जवाब है इसका ऑप्शन सी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना अठारह में हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी इस संगठन का मकसद हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना था इसने एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास किया बाद में महादेव गोविंद राणाडे और आरजी भंडारकर इस संगठन में शामिल हुए जिन्होंने इसे और अधिक प्रसिद्धि दिलाई तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया इसे मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई तो अब तीनों कथनों में पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल एक और तीन या फिर उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है केवल एक और तीन सही हैं यानी ऑप्शन सी सही है भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया लेकिन इसे मार्ले मिंटो सुधार नहीं कहा जाता है इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया और इसे मुसलमानों के अलावा सिख भारतीय ईसाई यूरोपियन और एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ाया गया इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला सवाल है मुंतखाब उत तवारीख निम्नलिखित में से किसकी रचना है जहांगीर अब्दुल कादिर बदायूनी मोहम्मद काजिम शिराजी या फिर शाकी मुस्तन खां सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखाब उत तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं इस रचना में भारत के सामान्य इतिहास का जिक्र मिलता है इसके पहले भाग को तबकाते अकबरी का संक्षिप्त रूप कहा जाता है जिसमें हुमायूं की मृत्यु तक का वर्णन है इसका दूसरा भाग पूरी तरह अकबर को समर्पित है और तीसरा भाग सूफियों विद्वानों आदि की जीवनी से संबंधित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अगला सवाल है शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की दूसरा कथन है शेर शाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और नहीं दो सही जवाब है इसका कि दोनों कथन सही हैं मतलब ऑप्शन सी सही है शेरशाह सूरी के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना था शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया जिसमें मापन के लिए सन से बनी रस्सी का प्रयोग किया जाता था गजे सिकंदरी का पहली बार इस्तेमाल लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया था किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र उत्पादन और भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी और कबूलियत के रूप में किसानों से एक सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मानी जाती है चंद्रगुप्त प्रथम कुमार प्रथम धर्मपाल या फिर भीमदेव सही जवाब है इसका ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से जुड़ी शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र था यहाँ भारत के अलावा चीन मंगोलिया तिब्बत और मध्य एशियाई देशों से भी विद्यार्थी आते थे शिक्षा प्राप्त करने चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहां लगभग 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया जबकि इत सिंह ने यहाँ रहकर कई संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आइए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा था लोक संगीत शास्त्रीय नृत्य खगोल विज्ञान या फिर यूनानी चिकित्सा तो इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप हमें दीजिए इस सवाल के जवाब और बाकी अन्य सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए ख्याल रखिए गुड बाय